हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अनीता लाइफ विद ब्यूटी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज अगर हम अपने यूट्यूब चैनल को खोलते हैं तो तुरंत ही मतलब कि बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो आने लगते हैं। और अभी जो मेन जो टॉपिक चल रहा है ना, आप कहीं भी आप स्क्रॉल करिए, गुड़िया धमाल, गुड़िया सिंह धमाल के ही टॉपिक चल रहा है। वो गुड़िया सिंह धमाल जिसको आप लोग भली भांति जान चुके हैं, जो 5 बच्चों की माँ हैं, तो आज मैं उन्हीं के ऊपर बोलने वाली हूँ। आज ये कोई व्लॉग नहीं है, बस मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो गुड़िया सिंह धमाल जिनका यूट्यूब चैनल है और वो 5 बच्चों की माँ हैं, तो जैसा भी मैंने उनकी मतलब कि उनके स्टोरी सुनी या उनके चैनल पे गई, तो ये बस मुझे ये समझ में आ रहा है कि इनकी जो शादी को 17-18 साल हो चुके थे और इनके जो पति का नाम है सुनील पासवान और ये जो जॉब करने लुधियाना गई हुई थी और वहीं पर तीन साल से वहीं पर थी। और उसके बाद इनका जो कनेक्शन है वो हुआ नीतीश मंडल से, ठीक है। तो मैं यहीं इसी टॉपिक बात करने वाली हूँ। इनके 5 बच्चे हैं जिसमें से एक जो बेटी है वो उनके पहले पति के साथ है और जो 4 बच्चे इनके साथ हैं। तो जो वाकया ये दिखाया जा रहा है कि मतलब जो 3 साल से ये जो गुड़िया जी हैं 3 साल से नीतीश मंडल के साथ संबंध में थी, रिलेशनशिप में थी, और उनके अनुसार ये कहा जा रहा है कि नीतीश मंडल ने सिंदूर डालकर उनसे शादी की। वो ये भी बोल रही हैं कि वो उन्होंने सारे प्रूफ डिलीट कर दिए हैं उनके मोबाइल से। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बोलती हूँ कि अगर ये जो इन्होंने नीतीश मंडल को ने जो शादी की है, तो जब शादी की है तो शादी करते समय ये ध्यान नहीं आया कि पांच बच्चों की माँ है और उम्र में उनसे ज़्यादा है, तब तुम्हें होश नहीं आ रहा था। मतलब आप एक औरत को यूज़ करने के लिए यूज़ किए और अभी जब आपका मतलब निकला तो आप चले गए। उसके साथ ही उनके जो बच्चे हैं उन नीतीश मंडल को पापा बोल रहे हैं। तो पापा बोल रहे हैं तो भाई आप बोले होंगे पापा बोलो तो पापा हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब आप 3 साल आपने यूज़ किया और आपने उसको मतलब कि कर लिया, उसको छोड़ दिया और आप जाके दूसरी शादी कर लिए, तो ये तो ऐसी मतलब ये तो धोखाधड़ी हुई। आपको शादी करते समय नहीं दिखाई दिया कि वो आपसे एज में ज़्यादा है और वो 5 बच्चों की माँ है, तो आपने उनका शारीरिक शोषण किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नीतीश मंडल को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने एक औरत का शोषण किया। अब बात आए मुद्दे पर कि सुनील पासवान के पत्नी है, तो जो औरत 17-18 साल एक पति के साथ रही है उससे उसके 5 बच्चे हुए हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलती हूँ, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा जो जो वाइफ जो है 17-18 साल उसके साथ रही है और दोनों साथ में रहे हैं, तो मैं ये बोल रही हूँ कोई भी औरत ऐसे तो अपने पति को छोड़ेगी नहीं। ज़रूर कोई बात हुई होगी तो ही उन्होंने उसको छोड़ा है। शराब पी के मारना, पीटना और मोहल्ले में गाली गलौज करना, उसके साथ बाल घसीट के मारना, ये सारी जो घटनाएं बताई जा रही वो हुई हैं। क्योंकि कोई भी पति औरत अपने पति को ऐसे नहीं छोड़ती, ज़रूर कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है तभी वो छोड़ती है उसको, ठीक है। तो अभी आप बात बोलते हैं तो सुनील पासवान ये बोलते हैं कि मतलब हम फ़ोन करते थे, जो ये करते वो बताइए क्या, क्यों उसने छोड़ा आपको? आप में ज़रूर कोई कमी हुई होगी। 5 बच्चों को लेके वो औरत जो है वहाँ काम कर रही है, पालन पोषण कर रही है अपने बच्चों का। आज लड़कियाँ जो 4 बच्चे वो भी आपके पास नहीं आना चाहते हैं, ज़रूर कोई रीज़न होगा जो आपके पास वो बच्चे तक नहीं आना चाहते हैं। बच्चे भी आपके खिलाफ हैं, अपने पिता के खिलाफ हैं, तो ज़रूर कोई रीज़न होगा। आप कैमरे के आगे इतना सीधा साधा बन जाते हैं कि नहीं हम और गुड़िया को बुला रहे हैं गुड़िया, तो अब ये बताइए कि क्या रीज़न तो कोई होगा। आप कैमरे के आगे सीधे साधे बन गए और तो जरूरी होना है कि आप सीधे साधे ही होंगे। उसके साथ एक बात और मुझे पता चली कि गुड़िया के जो भाई ने उसका पैर तोड़ा था ना, तो ये बताइए कि आप क्या बोल रहे हैं, मायके जा गए हैं और मायके जाकर उल्टे सीधे कर रहे हैं, तो भाई किसी को जल्दी बर्दाश्त नहीं होगा कि आप उसी के घर में जाके उसी की बहन को बोल रहे हैं। तो क्या वहाँ पर क्या माहौल क्रिएट हुआ है वो तो वही जाने। लेकिन देखिए मैं फिर बोलती हूँ, कोई भी औरत अपने पति को ऐसे नहीं छोड़ती। कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई दिक्कत होती तो ही उसको छोड़ेगी, क्योंकि अपना घर कोई भी तोड़ना नहीं चाहता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और रही नीतीश मंडल की बात, तो नीतीश मंडल जो है वो अपराधी है, क्योंकि उसने 3 साल तक उस औरत का गुड़िया धमाल का यौन शोषण किया है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मतलब औरत ऐसी नहीं होती कि आपने यूज़ किया और छोड़ दिया, ऐसा तो होता नहीं कि आपने यूज़ किया और छोड़ दिया। तो जब आप यूज़ किए हैं तो आपको खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तो या फिर आप उसके मांग में सिंदूर नहीं डाले होते, शादी नहीं किए होते, आपको पता था वो 5 बच्चे की माँ है, तो आपने क्यों शादी किया? तब आपको अपनी एज नहीं दिखाई दी कि मैं छोटा हूँ, अब आपको एज दिखाई दे रही है। तो नीतीश मंडल, तो मैं ये बोल रही हूँ कि जब इतने सारे ऊपर से ये बताइए, नीतीश मंडल ये बोल रहा है कि हम भाई बहन थे, भाई बहन में रिलेशनशिप होता है क्या? कौन ऐसा भाई बहन है जो संबंध बनाता है एक दूसरे से? भाई बहन में कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है, रिलेशनशिप नहीं होता है। तो ये तो आप भाई बहन बता रहे हो, और ऐसे से वो प्रूफ दे रही है कि नहीं, वो हम भाई नहीं था, वो हमारा पति था, हमारे हमने साथ में 3 साल हम साथ में रहे हैं, रिलेशनशिप में रहे हैं, वो सारे प्रूफ दे रही, उसके बाद भी यहाँ मीडिया मानने को तैयार नहीं है। केवल एक प्रूफ उसके पास नहीं है सिंदूर लगाते हुए की, क्योंकि उसने नीतीश मंडल ने डिलीट मार दिया उसको। तो मैं फिर भी मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगी कि गुड़िया धमाल को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि शारीरिक शोषण तो हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आकर कोई ऐसे चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलेगा, फोटो दिखा के नहीं बोलेगा कि मेरे साथ शोषण हुआ है, क्यों? ठीक है, सभी को अपनी बदनामी का डर रहता है, तो इंसाफ मिलना चाहिए गुड़िया धमाल को। और नीतीश मंडल अगर उसमें है तो नीतीश मंडल को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। पासवान के पास जाना नहीं चाहती, बिल्कुल खिलाफ है कि चाहे मैं मर जाऊँगी लेकिन मैं उसके पास नहीं जाऊँगी। तो मतलब इतना आपने क्या ऐसा किया कि वो आपके उसके दिल से आप हट चुके हो और बच्चे भी नहीं जा रहे हैं? तो कोई औरत ऐसे नहीं छोड़ती अपने आदमी को, ठीक है। और आगे मैं क्या बोलूँ, ठीक है, फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।